नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माया एजुकेशन में। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये अभी हमारा फंडामेंटल का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं जो आप लोग काफी पसंद किए हैं, और उसके बाद ये दूसरा सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं, प्लीज ये माया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन वीडियो तुरंत मिलता रहे और जो भी हमारा जो अपडेट हो उसके बारे में आपको पता चलता रहे। दोस्तों, तो आप हमारे माया एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर के आप बेसिक से लेकर एडवांस कोर्स कर सकते हैं, और ये मेरा माया एजुकेशन का ऑफलाइन पार्टनर्स है। जब लॉकडाउन खत्म हो, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। और ये आपका अनिष्करण जो आपके लिए लेके आया है फंडामेंटल सीरीज। दोस्तों, बैंकिंग, रेलवे, SSC, अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो कंप्यूटर का क्वेश्चन एक भी आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए, बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपना फंडामेंटल सीरीज का पार्ट टू। लेकिन पार्ट वन का वीडियो का जो लिंक है वो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, और इस पार्ट वन का जो टेस्ट सीरीज है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो जो लोग आज जुड़े हैं, आप प्लीज पहला पार्ट देखने के बाद आप टेस्ट जरूर दें, आप अपना नंबर देखें, और नंबर देखने के बाद हमारे कमेंट में जाके अपना टोटल मार्क्स बताएं, और फिर ये जो टेस्ट सीरीज टू है इसका भी MCQS आपको अपलोड होगा, और उस MCQS पे भी आपको टेस्ट देना है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, तो बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, ये माय एजुकेशन जो बेसिक से लेकर एडवांस कोर्सेज तक आपको यहाँ पे मिलेगा, आप बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं, एकदम हिंदी, शुद्ध हिंदी में तो नहीं कह सकते लेकिन आपको समझ में आएगा उस भाषा में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज, डिजलॉट लैंग्वेज को मैं यूज करूंगा जिससे आपको किसी तरह की परेशानी समझने में बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पार्ट वन टू का ये पहला दूसरा सीरीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशन टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद आपको बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, CPU, कीबोर्ड, वीडियो, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम, रोम। तो ये पार्ट टू का मेरा ये आज चैप्टर होने वाला है। तो अब चलिए, अब आपको लेके चलते हैं हमारा पहला, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कंप्यूटर कैसे कैसे आया, कैसे कैसे डेवलप हुआ और किस तरह से हम लोगों के पास पहुंचा, उसके बारे में जैसे जैसे उसका विकास हुआ उसको हम लोग जनरेशन के हिसाब से हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे प्रोग्रामर है वो लोग बांट के गए हैं। तो पहला जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो अब तक प्रेजेंट में हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। तो अब चलिए आपको एक एक जनरेशन का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से धुंधला दिखाई दे रहा है, माफ कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इस पीरियड में आया और इसका जो टेक्नोलॉजी था वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। सेकेंड जनरेशन 1959 से 1965 तक आया, जो ट्रांजिस्टर पे था। थर्ड जनरेशन हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट पे था। फोर्थ जनरेशन मेरा माइक्रो प्रोसेसर पे था, और फिफ्थ जनरेशन मेरा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम पे आधारित है। उसके बाद जो है, उसके बाद आपको ये मेरा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देखिए इतना बड़ा सिस्टम था जो कंप्लीट वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, और जो जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही मुश्किल, क्या नामुमकिन था। तो इसका कॉमर्शियल यूज नहीं हो पाया, इसका जो हम लोग के पास तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट जनरेशन का आप देखिए इसका जो मशीन है कितना हैवी है, कितना बड़ा है, जो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा है। और चलिए अब आते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन भी कंप्यूटर भी का ये मशीन आपको CPU दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह का मशीन हुआ करता था, ये तो बाद में आया लेकिन पहले इस तरह से होता था। और ये जनरेशन कंप्यूटर जो है हमारा उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन पहले जनरेशन के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा सफलता हमारे वैज्ञानिकों को मिल चुका था। उसके बाद जो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, थोड़ा बहुत इसका कमर्शियल यूज स्टार्ट होना शुरू हो गया, उसके बाद इसका बिजली कंज्यूमशन थोड़ा कम लगना स्टार्ट हुआ, इस तरह से लोगों तक धीरे धीरे पहुंचाने का कोशिश किया गया। उसके बाद हमारा ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा है, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आया जो लगभग हम लोगों के पास तक पहुंचा, ये था मेन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसका बहुत ज्यादा कॉमर्शियल यूज हुआ और हम लोगों के पास पहुंचा, हम लोग जो यूज कर रहे हैं यही हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है।
चलिए अब इसके बाद आपको हम बताते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एक्चुअली क्या है, कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इस तरह से इनको क्लास बनाना है, और क्लास काफी ज्यादा लंबा ना हो जिससे आपको बोरिंग फील ना हो, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ ताकि आपको कम समय में मैं बहुत कुछ देने का जो कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक पहुंच सके और आप उसको अच्छी तरह से देख सके और आपको लगे कि नहीं हमको जो बेस्ट है मेरे लिए वो क्या है वो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। चलिए तो कंप्यूटर का टाइप्स में कंप्यूटर को जनरली तीन पार्ट में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए यही तीन सिस्टम को और कैटेगरी में अगर हम बांट देखे हैं तो हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है वो चार भागों में बांटा गया है। सुपर कंप्यूटर का नाम आप सुने होइएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम सुने होइएगा, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो ये जो पार्ट्स हैं ये डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट्स हैं और एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर ये बिल्कुल दोनों अलग सेक्शन होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ देखिए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है, मैक सिस्टम जो एप्पल का सिस्टम है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है। तो ये सब सिस्टम जो है हमारा सब किसमें आएगा, डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार में ही आता है। दोस्तों आप जो अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं इसको आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्वालिटी अच्छा लगे तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि आप दूर दूर तक पहुंचाना ही हमारा मेन मकसद है कि गांव में बैठे सभी लोग के पास अपना कंप्यूटर का क्लास पहुंच सके और वो लोग घर पे बैठ के आसानी से पढ़ सके। अब देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये है कि हमारा जो प्रोग्रामिंग हुआ, प्रोग्रामिंग हमारे पास कैसे कैसे आया, किस तरह से डेवलप हुआ, इसके बाद और भी डिटेल आपको हम बताएंगे। तो ये कोडिंग हो गया, पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट, XML है, CSS, ढेर सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन अवेलेबल है जिससे हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम डेवलप करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। तो ये आपको तमाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब आपको हम लेके चलते हैं 1940 जहां से प्रोग्राम का शुरुआत हुआ और अभी तक जो अभी तक सबसे लेटेस्ट में है वो हम आपको बताते हैं कि 1944 में सबसे पहले आया प्लैंकुली, उसके बाद आया स्टार्ट कोड 1950 में, ऑटो कोड आया, फिर फोर्ट्रैन आया, फिर फ्लो मैट्रिक आया, फिर लिस्प आया, फिर आपको यहाँ पे देख रहे हैं अलगोल आया, एलोग्रिथम जिसको बोलते हैं, कोबोल आया। उसके बाद आप एक बात ध्यान रखिए कि हर एक टॉपिक पे इसके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना के देंगे जो हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से होगा, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। और अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि जो उसके बाद हमारा 1960 से 1970 के दशक में बेसिक आया, पास्कल आया, PI आया, सिमुला आया, उसके बाद C आया, फिर स्मॉल टॉक आया, प्रोलोग आया, SQL आया, फिर अगर हम 1980 का बात करें तो 1980 में C++ आया, उसके बाद MATLAB आया जो बहुत ज्यादा आज यूजफुल है, उसके बाद ADA आया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ सी आया, हैस्केल आया, पर्ल आया, पाइथन आया, आर आया, रूबी आया, जावा आया, विजुअल बेसिक आया, ढेर सारा जो इतना एप्स आपके नजर के सामने में अवेलेबल है जो आप देखते हैं वो सब इसी का कमाल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। दोस्तों आप अगर अपना करियर भी बनाना चाहें तो बेहतरीन करियर को बना सकते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से। तो आप इसका और डिटेल हम जब इसका स्पेशल क्लास में हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे पढ़ाऊंगा तो आपको और डिस्क्रिप्शन दूंगा। उसके बाद PHP आया, JavaScript आया, ActionScript आया, C# आया, स्क्रैच आया, स्केल आया, क्लोजर आया, गोडी आया, डी आया, गो, मतलब ढेर सारा जो आपको 2010 तक अभी तक देख रहे हैं ये सारा प्रोग्रामिंग का जो सिस्टम है, सिनेरियो है, इस हिसाब से आपको आया। इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो इसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या है कि बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा ये है कि आपको सबसे पहले बेसिक जरूरत क्या होता है कंप्यूटर का, तो कम्युनिकेशन, आपसे हम जुड़ पा रहे हैं, ये भी एक हमारा बेसिक एप्लीकेशन पार्ट है कंप्यूटर का। E-commerce जैसे आपका Amazon हो गया, Flipkart हो गया, ये सब आपका E-commerce में आता है। एजुकेशन, घर बैठे बैठे आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल का जो भी सुविधा है, जो जानकारी है वो आप घर बैठे देख सकते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट से संबंधित आपको फिल्म, मूवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड के रिगार्डिंग जो भी जानकारी चाहिए सब आपको घर बैठे मिलता है। उसके बाद गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी सूचना हो, नोटिफिकेशन हो, कोई उसका बेनिफिट हो तो वो भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये सब जो है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये हमारा था फंडामेंटल सीरीज का पार्ट टू। आपको वीडियो कैसा लगा इसको आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।